मुलाजमत पेशा बेटों बहुओं और बेटियों की मुश्किल आसान हो गई क्योंकि कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में खोला गया अपनी नौयत का पहला सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर यूनिट जहां बुजुर्गों की सुबह से शाम तक देखभाल की जाएगी। पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार और मुसन्निफ अनवर मकसूद ने यूनिट का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में अनवर मकसूद का कहना था कि तन्हा है तो साथी यहाँ है, बीमार है तो डॉक्टर यहाँ है, ये ऐसी जगह है जहाँ हर मुमकिन देखभाल होगी। ये जो सेंटर जिसकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। कोई बीमारी है तो डॉक्टर मौजूद है, अकेलापन है और लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, कोई बात करने वाला तो हो। ये सुबह के 8:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक कोई बात करने वाला नहीं होता, क्या करें। अगर दो मियाँ बीवी हैं चले फिर तो बात हो जाती है, अगर उनमें से एक चला जाए फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है अकेलेपन के लिए। यहाँ के 8 घंटे उनके लिए एक जन्नत हो सकती है। मुंतजमीन का कहना था कि एक्सरसाइज, मिनी ओपीडी, इंडोर गेम्स और पीसफुल इन्वायरमेंट फराहम किया जाएगा, माशी, समाजी, जिस्मानी और नफसियाती सहूलत मैसर है। वालदैन अक्सर तन्हा होते हैं, मासी के ऊपर या किसी घर के नौकर के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए कि बेटा ये बेटी है, बहू दामाद काम पे चले जाते हैं, कोई उनकी देखभाल का जरिया नहीं था। जो लोग आप इस हॉस्पिटल से वाबस्ता रहे हैं आपको पता है कि हमने इसी किस्म की सहूलत वर्किंग मदर्स के लिए बनाई थी। यहाँ आने वाले बुजुर्ग चेस, लिडो, कैरम खेलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। इसके साथ हर हफ्ते पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात और आउटडोर पिकनिक का भी इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ सलमान सलीम, K21 न्यूज़, कराची।